यू आर वॉचिंग एमजेड स्टूडियो विद योर होस्ट मोहम्मद जमाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने दोस्त मोहम्मद जमाल के साथ। आज कुवैत की गोल्ड मार्केट से सोने की ताजा तरीन कीमतें और कुवैती दीनार का मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज में क्या रेट चल रहा है, ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी कुवैती दीनार का रेट और कुवैत में सोने का रेट जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी रुपए में। आज कुवैती दीनार का पाकिस्तानी रुपए में जो रेट चल रहा है वो है एक कुवैती दीनार का 436 रुपए और 84 पैसे। दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडियन रियाल में, इंडियन रुपी में इस वक्त कुवैती दीनार का क्या रेट चल रहा है। एक कुवैती दीनार आज इक्वल है 241.76 इंडियन रुपीज के। और अमेरिकन डॉलर की बात करें तो आज एक कुवैती दीनार 3.30 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के बराबर जा रहा है। इसके बाद हम मजीद बात कर लेते हैं कुवैत में आज सोने के रेटों के हवाले से। तो कुवैत में आज सोने के जो एक ग्राम का रेट चल रहा है, 24 कैरेट के एक ग्राम का रेट आज 11.96 कुवैती दीनार चल रहा है। अगर 22 कैरेट की बात करें तो 22 कैरेट के एक ग्राम का रेट आज कुवैती दीनार में 11.75 कुवैती दीनार चल रहा है। और अगर एक ग्राम 21 कैरेट की बात करें तो उसका रेट आज कुवैत में 10.47 कुवैती दीनार चल रहा है। अगर आप 18 कैरेट गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो उसका रेट आज कुवैत के हिसाब से एक ग्राम का 8.97 कुवैती दीनार चल रहा है। अगर आप 10 तोला की एक गोल्ड बार खरीदना चाहते हैं तो उसका रेट आज कुवैत में 1395.23 कुवैती दीनार चल रहा है। जी तो दोस्तों, ये थे आज 19 अक्टूबर 2018 जुमातुल मुबारक के कुवैत के अंदर मुख्तलिफ करेंसीज के रेट और कुवैत के अंदर सोने की मुख्तलिफ कैरेट्स के रेट, जिसके अंदर 22 कैरेट 24 कैरेट और 18 कैरेट का रेट मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और कमेंट करके बताइए कि जो नया सिलसिला हमने शुरू किया है कि आइंदा इसको कंटिन्यू रखा जाए, आप इसको पसंद करते हैं या नहीं। अगर आप इसी तरह रोजाना सोने के रेट्स और करेंसीज के रेट जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।